जब भी कोई पेशेंट छींकता खांसता है तो वायरस गिर जाता है और बहुत क्लोज गिरता है, एक मीटर से कम गिरता है भैया, रिसर्च हुआ है तभी पता चला है, 1 मीटर से कम गिरता है तो पेशेंट खांसने वाले से 1 मीटर से ज्यादा की दूरी पे रहो, सिंपल, वो आपकी बात। अगर घर में पेशेंट है तो उससे 1 मीटर से ज्यादा दूरी रहना है, पेशेंट को मास्क पहना के रखना है। घर में पेशेंट नहीं है तो बाहर से कैसे आ सकता है? वायरस किसी भी चीज के ऊपर, एक मास्क पे, एक पेपर पे, पैसों पे, किसी भी चीज के ऊपर गिर सकता है, सब्जी पे, दूध की पैकेट पे, आपके न्यूज़पेपर पे, आप बाहर से जो सामान खरीद रहे हैं उस पे, आपके सुपरमार्केट में अगर कोई पेशेंट घूम रहा है तो वो सुपरमार्केट में वायरस की बौछार करते हुए भी घूम सकता है। तो पॉसिबिलिटीज बहुत है। अच्छी बात यह है कि इंडिया में अभी इतने पेशेंट नहीं हुए हैं कि हर जगह हर बार आपको वायरस का सामना करना पड़े, लेकिन क्योंकि इंडिया में अभी तक एक्टिव फेसेस पेशेंट सिर्फ 329 है, 330 भी नहीं हुए, राइट, एक्टिव पेशेंट्स। और जो इंडिया के अंदर इतने कम पेशेंट्स में चांसेस बहुत कम है कि आपको वायरस मिलेगा भी, लेकिन ये सारी चीज पॉसिबल है अगर वायरस बढ़ता जाए। अगर थर्ड स्टेज में पहुंच गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए अभी से प्रिकॉशन लेना है। क्या प्रिकॉशन? वायरस अंदर ना आ पाए, कहां अंदर, घर के अंदर, तो आपको घर में रहना है। बाहर जाएगा तो कोई एक जन जाएगा जो सामान लेके आ जाएगा, सामान अवेलेबल है, बाहर से आप ला सकते हैं, काम वाम ऑफिस वैसे ही बंद है, वर्क फ्रॉम होम है, जो आप समझ पा रहे हैं। और जो बाहर जाता है उसको भी अपने प्रिकॉशंस लेने हैं, समझना है कि भीड़ में ना जाए, भीड़ में ना रहे, हमने ऑलरेडी बताया। और बाहर जाते वक्त आप अगर एक मास्क अपने साथ रखना है, 1 से 2 मास्क अपने साथ रखने हैं, क्योंकि मास्क अगर गीला हो जाए, मास्क अगर गंदा हो जाए, मास्क डिस्पोज ऑफ करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है, मास्क लेके वापस घर में नहीं घुसना, क्योंकि मास्क के ऊपर, मान के चलिए मास्क के ऊपर, आपके फेस के ऊपर, आपके हाथों में, सब जगह वायरस लगा हुआ है, नहीं भी है वो भी मान के चलिए, आपको घर में घुसने से पहले अच्छे से हाथ धोना है, अच्छे से अपना फेस धोना है, मास्क हटा के आपने डिस्पोज ऑफ करना है। ऑलरेडी हमने मास्क वाला हिसाब बताया है आपको, मास्क डिस्पोज ऑफ करने के लिए अनलेस एंड अनटिल मास्क आपने ऐसे खुले में नहीं फेंक देना, वरना मास्क के ऊपर लगा हुआ, वहां पर अगर लगा हुआ है वायरस तो वो दूसरे पकड़ लेंगे उसको। मास्क को पकड़ने के लिए कोने से पकड़िए, जहां से मास्क बांधते हैं, पीछे से, बीच से भी पकड़ना नहीं है, उतार के उसको डस्टबिन में डाल दीजिए, या फिर अगर आपको पता है, पक्की बात है कि मास्क के ऊपर इन्फेक्शन हुआ है, या आप ऐसे पेशेंट के साथ होकर आए हो या ऐसे पेशेंट का केयर करते हो, तो मास्क को डिसइंफेक्ट करके फिर या तो जलाना है या गाड़ देना है। जी हाँ भैया, इतना सीरियस स्टेप लेना पड़ता है अगर पक्का है कि मास्क पे वो वाला इन्फेक्शन है। तो फिर कोई भी चीज बाहर से आ रही है, चाहे सुपरमार्केट से ला रहे हो, चाहे आपका दूध आ रहा है, चाहे आप कुछ भी ऐसी कोई चीज आ रही है, कोई पेस ऑफ पेपर आ रहा है, पहली चीज तो उसको अंदर मत लो अगर जरूरी नहीं है तो। न्यूज़पेपर जरूरी नहीं है तो मत लो, आप टीवी पे न्यूज देख लो, राइट। अगर आपको दूध इंपॉर्टेंट है, सब्जियां इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी चीज है, तो दूध और सब्जियां, खाने पीने की चीजें आप घर के अंदर लीजिए। जो चीज खराब नहीं होती, जैसे अनाज, बाकी सारी ग्रोसरी वाली चीज, तो एक बार लाके उसको बाहर स्टोरेज रूम में कहीं रख दीजिए, इस्तेमाल करने से पहले या खोलने से पहले उस पैकेट को आप 12 घंटे के लिए, रात सुबह शाम को ले आइए और सुबह खोलिएगा, 12 घंटे या 14 घंटे उसमें वायरस वैसी ही मर जाएगा। वायरस को समझिए, वायरस एक सिंपल जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या आरएनए होता है उसमें, राइट। सो इसमें आरएनए है, इसमें कोरोना वायरस में ये आरएनए कवर में पैक्ड है, वो कवर कैप्सूल को, वो लिपिड यानी फैट का कैप्सूल है, उस कैप्सूल के वजह से वायरस जिंदा रहता है वहां बाहर जितने घंटे रहता है। और बिना ये वायरस किसी सेल के, किसी शरीर के अंदर जाए, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, किसी बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के सेल के अंदर जाता है, वो भी इस कैप्सूल के वजह से। तो साबुन से हाथ धोने से ये कैप्सूल टूट जाता है, ड्राइनेस खत्म हो जाने से ये कैप्सूल, व्हाइटनेस, मॉइस्चर खत्म हो जाने से कैप्सूल फट जाता है, आपका लिपिड कैप्सूल रहेगा ही नहीं, वायरस डीनेचर हो जाता है, खराब हो जाता है, राइट। पानी से धोने से वायरस धुल जाता है, बिल्कुल धुल सकता है, पानी से धुल जाता है, राइट। सो पानी के अंदर वायरस घूमता नहीं रहेगा, याद रखिए।
और पानी से धुल जाएगा। नंबर दो, अगर आप सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हो तो सब्जियों को गर्म पानी से या नॉर्मल से थोड़ा गर्म पानी से आप धो लें, ठीक है। सब्जियों को आपको साबुन से नहीं धोना है, गर्म पानी से फ्लोइंग वाटर से अच्छे से 20, 25, 30 सेकंड एक मिनट के लिए धो लें, ठीक है। उसमें चाहो तो थोड़ा बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद या तो उसको डुबा के भी रख सकते हैं थोड़ी देर बेकिंग सोडा में। बाकी चीज़ें जो धो सकते हैं, दूध का जो थैली है उसको डिटर्जेंट साबुन से अच्छे से धोएं, और ऐसी कोई भी चीज़ हैंडल करने से के बाद अपने हाथ अच्छे से धोएं दूसरी जगह जाने से पहले, याद रखिए हमेशा, ठीक। सैनिटाइजर से 10 गुना अच्छा है साबुन पानी। घर में आपके पास साबुन पानी है, साबुन पानी इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर पे भरोसा ना करें। नो मैटर, पता नहीं रहता उसमें क्वालिटी सही है नहीं है, इंडिया है, याद रखिए साबुन पानी से बेटर कुछ नहीं, राइट। देन उसके बाद कोई इंसान बाहर से अंदर आ रहा है तो मास्क अपना डिस्पोज ऑफ करके आए, खुद के ऑल दो कम चांसेस है लेकिन कपड़े भी निकाल दें, कपड़े बदलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कम चांसेस है, हो सकता है सिचुएशन आगे बदल जाए, कल को आपके मोहल्ले में फैल जाए और फिर आपके कपड़ों में भी वायरस रह रहा है, आपके शरीर में रह रहा है, आपके बालों में रह रहा है, पूरा का पूरा नहा धो के अंदर आना पड़े, ये सिचुएशन हो, ये ना हो जाए, इसलिए आज से प्रिकॉशन लीजिए। बाहर से आ रहे हैं, ड्रेस चेंज करिए, हाथ पैर मुंह धोइए अच्छे से, मास्क फेंक दीजिए, घर में बैठ जाइए, ठीक है। और अव्वल तो जरूरत नहीं है तो घर से बाहर ही मत निकलिए, ठीक है। जब भी गवर्नमेंट को लगेगा कि सिचुएशन बेटर हो गई है, बाहर निकल सकते हैं, तो आपको बताया जाएगा और नॉर्मल सेवाएं शुरू हो जाएगी। अभी फिलहाल 31 मार्च तक लॉकडाउन है, ये पॉसिबल है कि लॉकडाउन आगे भी कंटिन्यू हो जाए, समझिए इस बात को, पर डरने की बात नहीं है। जरूरत का सारा सामान मिलता रहेगा, बीमार को दवाई मिलती रहेगी, खाने पीने का अनाज मिलता रहेगा, दूध मिलता रहेगा, सब्जी मिलती रहेगी, सुपरमार्केट्स खुले रहेंगे, मार्केट्स खुले रहेंगे, बहुत बड़े सुपरमार्केट्स तो नहीं, ग्रोसरी शॉप्स खुले रहेंगे, आपको ज़रूरत का सामान जो ढूंढने जाएगा उसको मिल जाएगा, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत का, बहुत ज़रूरत का सामान लेने बाहर जाए, मेकअप का सामान लेने मत जाए प्लीज़, ठीक है। अननेसेसरी चीज़ों के लिए बाहर ना निकलें, वरना आपकी पूछताछ तो करेंगे बाहर लोग खड़े हैं, सो दैट इज देयर। जी हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, इतना सीरियस बीमारी नहीं है लेकिन ये सीरियस हो जाएगी अगर हम आज ये नहीं करेंगे, राइट। एक आने वाली बहुत खतरनाक सिचुएशन को, जो हो सकती है इटली जैसी सिचुएशन हो सकती है, एक एग्जांपल बताता हूँ, 25,000 लोग एक दिन में अगर आ गए दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, किसी भी जगह पे 20,000-25,000 लोग एक दिन में भर्ती होने के लिए, तो इतने आईसीयू में बेड ही नहीं है, इतने हॉस्पिटलों में जगह ही नहीं है कि रखा जा सके, तब फिर चूज करना पड़ेगा कि इसका ट्रीटमेंट करें कि उसका ट्रीटमेंट करें। आप हो सकते हो उसमें आ जाओ कि भाई मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, फिर क्या करोगे। सो इसलिए आज ये थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसको थोड़ा सा सहन कर लो और इसको फॉलो करो। ऑल्दो चांसेस बहुत कम है कि आपको वायरस होगा तो आप मरोगे नहीं, बिल्कुल मैंने बता चुका हूँ अच्छे से, इतना डेंजरस वायरस नहीं है जितना लोगों को डर लग रहा है। प्रिकॉशन जरूरी है, प्रिकॉशन जरूरी है, नहीं तो हेल्थ केयर पे पैनिक सिचुएशन आ जाएगा और मैनेज नहीं हो पाएगा, और मैनेज ना हो उससे बेहतर है कि आज ये थोड़ी दिक्कत झेल लीजिए। सो आज हेल्प करिए एक दूसरे की, समझने में कब क्या करना है। हर एक वीडियो देखियो, हर एक वीडियो में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट नई जानकारी डाली है, और इस वीडियो नहीं आता, कुछ जानकारी बार बार रिपीट की जा रही है ताकि वो आपके दिमाग में फीड हो जाए, ये करना ही है, ये करना ही है। सो ये वीडियो सारे के सारे शेयर करने हैं, हाथ जोड़ के विनती है, थैंक यू सो मच।